जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे गौ मातरम। मेरे भाई, आप देख सकते हैं हमारे सामने ग्रेती का बड़ा गाड़ी है, इसमें 50 से 60 गौ माता और गौ माताओं के बछड़े। आप देख सकते हैं गाड़ी है, ये गाड़ी को अभी अभी हम मेडचल हाईवे पे गोरक्ष दल द्वारा, हमारे साथ में कोटी श्रीधर जी है और बजरंग दल द्वारा, इस गाड़ी को अभी पकड़े हम। अभी यहाँ से आउटर रिंग रोड से हम जा रहे हैं, यहाँ से गौशाला गाड़ी जा रही। तो हमारे तेलंगाना में इलीगल तरीके से डेली गौ माताओं को इलीगल तरीके से काटा जा रहा है। तो मैं तेलंगाना गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ, मैं कालू सिंह और हमारी गोरक्ष दल की पूरी टीम द्वारा हम तेलंगाना गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि जो दिन पे दिन इलीगल तरीके से गौ माताओं की तेलंगाना में हत्या हो रही है, हम गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं आने वाले दिनों में देसी गौ माताओं तेलंगाना में एक भी नहीं बचेंगी, ये गवर्नमेंट को बतलाना चाहते हैं हम। रेवंत रेड्डी साहब से कहना चाहते हैं, तेलंगाना में आप देखिए, आपकी गवर्नमेंट आने के बाद और ज्यादा संख्या में गौ माता की हत्या हो रही। हम सोचे थे आप आने के बाद तो भी जो 90 केसीआर जिस तरह से हत्या कराता था, आप आने के बाद थोड़ा चेंजेस आएगा गौ माता के प्रति, आप भी गौ माता के प्रति, आप दे गौ भक्त है, आप नॉमिनेशन डालने के टाइम पे आप गौ माता की पूजा करके गए, रेवंत रेड्डी साहब आपको याद होगा ना। ये तो हम कहना चाहते हैं, फिर एक बार हाथ जोड़ के हम रेवंत रेड्डी साहब से कहना चाहते हैं, जिस तरह से जो गौ माताओं की हत्या हो रही तेलंगाना में, जल्द से जल्द बंद हो, और जो हमारे गोरक्ष दल के कार्यकर्ता जिस तरह से गौ माता की रक्षा करने के लिए जब रोड पे आते लीगली 100 को कॉल किया जाता, तो भी गवर्नमेंट और यहाँ की तेलंगाना की पुलिस इलीगल तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर केसेस बुक कर रही। तो मैं कहना चाहता हूँ, हम उन केसों से डरने वाले नहीं है, जब धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए जब युद्ध लड़ने निकल गए तो हम उन केसों से डरने वाले नहीं है, मगर हम ये कह रहे हैं आपको, थोड़ा हमारी बात सुनिए, भारत माता की जय। जय गौ माता। ना पेर कोटी श्रीधर, నేను టీటీడీ గో సంరక్షణ మాజీ మెంబర్, గోరక్ష దళ ఆల్ ఇండియా జనరల్ సెక్రటరీ. ఇవాళ మార్నింగ్ 11:00 ఇది మేడ్చల్ మధ్యప్రదేశ్కి మన హైదరాబాద్కు బహదూర్పుర స్లాటర్కి వస్తుంది. ఇది మేము హైదరాబాద్కు బహదూర్పురకు వస్తుంది ఇది. Stop the road.